प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, नूब मास्टर्स वाले अकाउंट में फॉलो कर लीजिए, उसमें और काफ़ी सारे रिव्यूज़ वगैरह हम डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सच में मेरे सामने भूत आया ना तो मां कसम चूड़ियां पहन लूंगा चूड़ियां। हाय गाइस, हाउ यू, वेलकम टू नूब मास्टर्स 609, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज हम फटाफट ऑनेस्ट नूब रिव्यूज का मिनी लेके आए हैं लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर रिव्यू के साथ। जानता हूँ काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है, और एक अपडेट की वीडियो आई थी, अभी आगे जाके भी काफ़ी टाइम तक वीडियो नहीं आएगी क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा अभी रिव्यू ही कर देते हैं ट्रेलर का। तो चलिए चलते हैं फटाक से एकदम इस मसालेदार ट्रेलर की तरफ। लक्ष्मी बॉम्ब जो है वो सब जानते हैं, वो रीमेक है कंचना मूवी का। कंचना मूवी नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस ने भी कई बार टीवी पे सेट मैक्स वगैरह पे देखी हुई है, तो मुझे तो सबसे पहले सवाल मेकर से यही रहेगा कि पता नहीं क्यों उन्होंने इसी फिल्म को रीमेक बनाने को चुना। चलो ठीक है, ये चुन लिया। अब इसका ट्रेलर आया, काफ़ी टाइम से इसके एंटिसिपेशन जो है वो बढ़ रही थी। ये राधे के साथ और फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ ईद पे थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन फिर पैंडेमिक आ गया, फास्ट एंड फ्यूरियस राधे दोनों पोस्टपोन्ड हो गई और दोनों थिएटर्स में ही आएंगी, और लक्ष्मी बॉम्ब OTT पे आ गई डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का मेंबरशिप लीजिए और तब आप देख पाएंगे। फिर फिल्म का डेट जो है वो 9 नवंबर को कंसिडर किया गया, दिवाली के आसपास 9 नवंबर, क्योंकि 9th जो है वो अक्षय का लकी डे है इसलिए। और बात करें ट्रेलर की तो हम फटाफट चलते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात, ये एक हॉरर कॉमेडी है, ट्रेलर में ये दोनों चीज़ों की बहुत कमी है। हाँ गाइस, थोड़ा हार्श है मुझे पता है, ट्रेलर में काफ़ी डालने की कोशिश की गई है, काफ़ी ऐसे सीन डालने की कोशिश की गई है, लेकिन आधे जोक्स पे हंसी नहीं आती है जितना ट्रेलर में दिखाया है। जो हॉरर है वो उसमें अक्षय को देख के तो बिल्कुल डर नहीं लगता है, लेकिन हाँ हमें हंसी ज़रूर आएगी, अलग तरीके का सरकैज़म होगा, अलग तरीके की कॉमेडी होगी, लेकिन हंसी ज़रूर आएगी। हॉरर की मैं गारंटी नहीं दे सकता, मुझे हॉरर तो कुछ लगा नहीं, कुछ मज़ेदार ज़रूर सीन्स थे और डेफिनेटली फिल्म मज़ेदार तो होगी, काफ़ी एक्शन वगैरह काफ़ी सब मज़े आने वाले हैं फिल्म में। 3 गाने हैं जिनमें से एक गाने का हमें लिरिक्स सुनने को मिले, जो कि बुर्ज खलीफा सॉन्ग है, जो कि दुबई में ही शूट हुआ था, बुर्ज खलीफा के पास जनवरी में अक्षय और क्रू गया था वहाँ पे शूट करने। और उसके साथ हमें एक और गाना देखने को मिलेगा, वो है क्लाइमैक्स सॉन्ग, तो क्लाइमैक्स में हमें वो गाना देखने को मिलेगा। उसके हमने कुछ कुछ क्लिप्स देख लिए, कुछ कुछ सीन्स देख लिए ट्रेलर में, वो सुनाई नहीं दिया। और जहाँ तक ट्रेलर की म्यूज़िक की बात करूँ, ट्रेलर का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जब म्यूज़िक आता है वो ऐसा लगता है किसी कांवड़ या किसी बजरंग दल का म्यूज़िक उठा के उसको एडिट करके डाल दिया गया है, लेकिन ट्रेलर तो मज़ेदार है डेफिनेटली मैं बोलूँगा। और अक्षय ने डेफिनेटली वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क दिया है, उम्मीद करते हैं एक्सपेक्टेशन हाई है। इससे पहले भी हाउसफुल 4 जो मूवी थी उसमें भी कॉमेडी और हॉरर का मिक्सचर होना था, लेकिन वो फिल्म एकदम कचरा निकली थी। और प्लीज़ मतलब मेकर में अपने ओरिजिनल कंचना के मेकर डायरेक्टर ही हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं, रघुवा लॉरेंस, लेकिन फिर भी मैं प्लीज़ उम्मीद लगा रहा हूँ कि ये फिल्म हाउसफुल 4 जैसी ना बना दें, लेम कॉमेडी और बिल्कुल ज़ीरो हॉरर ऐसा ना हो। काफ़ी एक्सपेक्टेशन है और काफ़ी अच्छा ट्रेलर है, एंटिसिपेशन को काफ़ी बढ़ा दिया गया है, और 30 दिन का इन्होंने ये प्लान किया है पूरा, लक्ष्मी बॉम्ब की पूरी स्ट्रैटेजी कि कैसे ये प्रमोट करेंगे फिल्म को। आज 9 तारीख को ट्रेलर आ गया, अगले महीने के 9 तारीख को फिल्म आ जाएगी, और हर 10 डेज़ में एक एक गाना हमें तीनों गाने देखने को मिलेंगे। फिर IPL में कमेंट्री करने भी अक्षय कुमार आएंगे, तो ये सब प्रमोशनल इवेंट्स तो पूरे कर रहे हैं। ऊपर से ट्रेलर में क्योंकि लाइक और डिसलाइक का भी, डिसलाइक का तो दबा के चल रहा है, तो लाइक डिसलाइक ही हटा दिया, करो जो करना है बेस्ट है, और कमेंट बॉक्स भी हटा ही देते, नेगेटिविटी तो ज़ीरो ही हो जाती फिर, लेकिन चलो ठीक है, जो भी है किया है इन्होंने, मेहनत की है, बस एंटिसिपेशन कबाड़ा ना हो जाए, कचरा ना हो जाए। ट्रेलर काफ़ी अच्छा एंटिसिपेशन है फिल्म में, उम्मीद तो है। 5 में से मैं इस ट्रेलर को 4.5 देना चाहूँगा, आधा स्टार जो मैंने गलती बताई आपको उसके लिए। अब देखते हैं मूवी कैसी होगी, ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है, काफ़ी बढ़िया ट्रेलर है, प्लीज़ मूवी को ख़राब मत कर देना, प्लीज़ मूवी अच्छी होनी चाहिए।
तभी लोग इंजॉय कर पाएंगे फैमिली के। डेफिनेटली फैमिली वॉच तो है ही, मैं भी फैमिली के साथ ही देखूंगा, आप भी फैमिली के साथ ही देखना। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में VIP मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप जो आपको लेना है, इन दोनों में से लेके आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगर कोई आगे अपनी वीडियो में हमारी बनती है तो, नहीं तो हम आपको जो इंस्टाग्राम पे तो मिलेंगे ही। तो अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है प्लीज़ 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 भैया फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी गई है, उसमें मैं अपने रिव्यूज़ डालता रहता हूँ पोस्ट पे। तो जैसे सीरियस मैन या सड़क टू ये, इस टाइप के काफ़ी सारे रिव्यूज़ जो हैं रिसेंट में, जो छोटी छोटी फिल्म्स आई हैं, उनका पोस्ट में आपको रिव्यू मिल जाए, खाली पीली इन सब का रिव्यू उसमें हमने दिया हुआ है। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, देख सकते हो, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।